गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। तो मैं 3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही, पता ही है दुर्गा पूजा आ चुकी है, तो मैं दुर्गा पूजा के लिए थोड़ी बिजी हो गई थी। यहाँ वहाँ शॉपिंग वगैरह करना था, बच्चों की शॉपिंग वगैरह करना था, तो ब्लॉग नहीं बनाया शॉपिंग करते वक्त, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ब्लॉग जब बनाती है तो बिल्कुल भी मतलब शॉपिंग करने में ध्यान नहीं रहती है, तो कुछ कुछ छूट जाती है। ब्लॉग नहीं बना के भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, तो फिर मुझे आज शॉपिंग करने जाना पड़ेगा वापस से। तो गाइस, मेरी ब्लॉग भी बनी रहेगा। आज मैं क्या क्या काम करूँगी, क्या क्या नहीं करूँगी, आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग मुझे बनी रहेगा मेरे साथ में, क्योंकि नहीं बोल सकती हूँ ये करूँगी एग्जैक्टली बोल के नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि घर की काम ऐसी होती है कि मैं एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने ही रहेगा, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ, आज आप लोग से शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे दे रहे हो उससे ज़्यादा मुझे प्यार दीजिएगा। जरा जरा मेरी वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, और लाइक कॉमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। आप लोग को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग प्लीज़ आप लोग कॉमेंट कीजिए, तक चल जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के पसंद की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। पकाना है और फिर बेटी को अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं खिलाया है, तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, उस तक मुझे शॉपिंग भी करने जाना है, तो बहुत सारे काम है आज। आज क्या क्या कर पाते हो? छूटती नहीं है तो मैं कैसे काम करूँगी, बोलिए आप लोग बोलिए। इसको इतनी जल्दी उठ जाती है, अभी मेरी पेन पकड़ के देख सकती हो आप लोग, ये ऐसा करती है। गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरी किचन की हालत। मैंने सुबह को ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में किचन अभी तक साफ नहीं किया है। मैं किचन साफ करने लग गई थी और ये उठने लग गई, रोने लग गई, नो। तो इसको चोकोस खाना है गाइस, मैं इसको चोकोस दे देती हूँ। ला, हम दोनों की रोज की, ये रोज की ड्यूटी है। अभी नानू क्या करेगा? हाँ, अभी चोको खाएगा, उसके बाद में मम्मा काम करेगा, नानू चोकोस खा के बैठेगा, उसके बाद नानू ब्रेकफास्ट खाएंगे। ओके, तो गाइस मेरी किचन बहुत गंदा हुआ है, अभी मैं किचन साफ करूँगी सबसे पहले। तो आप लोग इसको देख सकते हो, बड़ी लड़की जैसी चोकोस खाने के लिए करती है। बस दांत दो ही है गाइस, सिर्फ दो दांत है, और नहीं है गाइस, सिर्फ दो दांत हैं। लगा देती हूँ, ये चोकोस खाते रहेगी और मैं तब तक ये कपड़े सुखा के आऊँगी, मैंने कपड़ा धुला दिया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको कार्टून लगा देती हूँ, इसको कौन से कार्टून देखना है, तो कार्टून लगा देती हूँ मैं। पहले वॉल्यूम कम कर लेती हूँ, उसके बाद जो कार्टून लगा दे, देख सकते हो ये कार्टून देखने के लिए किस तरह से कर रही है। कार्टून फेवरेट कार्टून ये है, अब ये देखती रहेगी तब तक मैं। गाइस जल्दी जल्दी काम करनी पड़ेगी मुझे, जल्दी जल्दी काम करनी पड़ेगी, इतना काम होता रहे गाइस, कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है किचन से, जितना भी काम करूं कितना बर्तन धुलाऊंगी, बर्तन निकालता है मेरा, रोज की ड्यूटी गाइस, रोज के, कुछ नया नहीं है, रोज की ड्यूटी मेरी, रोज की। कभी दिन तो किचन से आराम मिलने से क्या होगा, रोज किचन के काम करो। कभी कभी सोचती हूँ सब छोड़ छाड़ के घूमने चले जाऊंगी, पर क्या करूँ, कौन कर देगा गाइस, कौन कर देगा, घूमने तो जाऊंगी वापस आऊंगी तो करना ही पड़ेगा मुझे ही, क्या करूँ। औरत की जिंदगी, लड़की की जिंदगी ऐसी होती। फाइनली मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं, तो अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, क्योंकि आगे पहले चली जाने थी मैं जाने वाली थी, फिर बेटा का ट्यूशन पहुँचा के जाऊँगी सोचा था, तो अभी बेटा चले गए हैं मेरा बेटा ट्यूशन, तो अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। हाँ, भीड़ भाड़ है, देख सकती हूँ, रास्ता कैसे पार करूँगी वो सोच रही हूँ मैं, तो
हम पहुंच गए हैं मार्केट, जो हमें चाहिए यहाँ पे यहीं पे मिल जाएंगे हमें, तो यहीं से ले लेंगे। अभी हमें जो भी चाहिए यहीं पे मिल जाएंगे। क्या हो गया भैया? भैया टॉप दिखा दीजिए ना। अरे यही सब चल रहा भैया, सीढ़ी टूटेगा, हम दोनों का सीढ़ी टूटेगा। नानू बुरी, oh my god, कितनी गर्मी है। तो मिलती हूँ गाइस आप लोगों को आगे पहुँच के, यहाँ पे बहुत ही गर्मी है। हरे हरे सब्जी नानू, बेम्बू सूट, मलाई पत्ता, मिर्ची, ये है बेम्बू। मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था पर बुक के नहीं जा सकती हूँ। ये है आपका फल मा की दुकान। गाइस अभी हमने आई हूँ सैंडल लेने के लिए, पेड़ बहुत सुंदर है इसलिए। मला भी नहीं, मला भी नहीं।
घर पहुंच गए तो क्या क्या शॉपिंग किया आप लोगों को दिखाती हूँ। बस ये मेरी नहीं दिखाऊंगी। ये देख रहा चाय वाला दीदी, ये तो मैंने बड़ी मम्मी के लिए खरीदे हैं, इसको मैं नहीं दिखाऊंगी, गिफ्ट है इसलिए। बस मेरी वाली भी नहीं दिखाऊंगी, मेरी वाली दिखाऊंगी ना तो दूसरा ने मेरी से कलर खरीद देगा, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। जब पहनूंगी ना तब दिखाऊंगी, बच्चे लोगों का दिखाऊंगी। ये है मेरा दीदी, मेरा दी मेरी पोलो कॉलोनी में रहती है, उसने खरीद गिफ्ट दिया है बेटी के लिए, और एक करके दिखाती हूँ। तो कितने प्यारे कलर है, ये मेरी दी ने मेरी बेटी के लिए शॉपिंग कर दिया है। ये दो है, ये मेरी दी ने शॉपिंग कर दिया बेटी के लिए, और ये मैंने मेरी बेटी के लिए ऐसे सिंपल से फ्रॉक खरीद दिया है, ये बेटी के लिए खरीद दिया मैंने, पैसे तो हस्बैंड ने दिया। और ये शू बेटी का, और ये बेटा का शू, दोनों को थोड़ा सेम सेम खरीद दिया है। और होता है देवर जी, और ये दिखाती हूँ, ये इतना प्यारा है जैकेट, देखिए ना विंटर के लिए इतना प्यारा है, ये पहनने के लिए मानता तो मैं पहनाती थी नहीं पहनने मानेंगे। और ये जो है मेरा देवर जी ने ला दिया है बेटी के लिए पैतृक से, तो ये तीन पेन है, दुर्गा पूजा के लिए बोल के नहीं ऐसे ही वो लोग गए तो ला दिया है, तो ये तीन लॉन्ग पेन है, तो ये मेरे देवर जी ने ला दिया। और ये मेरे बेटा का, और ये पेन फॉर्मल पेन मेरा बेटा का, और ये टी शर्ट ये भी बेटा का, उसके बाद ये जीन्स का जैकेट है, ये जो मेरे देवर जी ने शॉपिंग कर दिया है बेटा के लिए, और ये बेटा का टी शर्ट ये मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग कर दिया है दुर्गा पूजा के लिए बेटा के लिए, और ये है पेन फॉर्मल पेन, ये जो है उसका पापा ने शॉपिंग कर दिया बेटा के लिए। और मैंने तो बहुत कुछ लिया है गाइस, मेरा शॉपिंग तो मैं इसलिए दिखाना नहीं चाहती, मुझे डांट नहीं पड़ना है, मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया है गाइस, बहुत ज़्यादा, देखने वाले भी डर जाएंगे गाइस, इसलिए मैं खुद के वाले नहीं दिखाऊंगी। तो यही था आज की शॉपिंग जो है गाइस, जो भी है तो आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को मेरे ब्लॉग जो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो इस तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय गाइस।